मोनी, मैं तुम्हारे लिए दाना लेने जा रही हूँ। तुम घोंसले में ही रहना, घोंसले से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। ठीक है माँ, पर आप जल्दी लौट आना। चिड़िया अपनी बेटी मोनी चिड़िया को छोड़कर दाना लेने चली जाती है। रास्ते में उसे टिकी चिड़िया मिलती है। वो चिड़िया डरकर छिपी हुई बैठी थी। क्या हुआ बहन, तुम यहाँ छिपकर क्यों बैठी हो? तुम्हें नहीं पता जंगल में शिकारी गिद्ध आ गया है। वो सभी के घरों में जाकर सभी के अंडे हुए बच्चों को खा रहा है, इसलिए मैं अपने अंडों को लेकर यहाँ पर बैठी हूँ। हे भगवान, मैं तो अपने अंडे को घोंसले में ही छोड़ आई हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी से कहा था कि ध्यान से रहे, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर गिद्ध अंडों की तलाश में फिर रहा था। मुझे जंगल में पक्षियों को डराने में बड़ा मजा आ रहा है। सब पक्षी मुझसे कितने डर रहे हैं। अब मुझे फिर से भूख लगने लगी है, किसी चिड़िया के अंडे ढूंढ कर खाता हूँ। हे भगवान, ये गिद्ध तो बहुत खतरनाक लग रहा है, अगर इसने मुझे देख लिया ये मुझे खा जाएगा। यहाँ तो एक भी घोंसला नजर नहीं आ रहा, लगता है एक एक पेड़ पर जाकर घोंसला ढूंढना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि माँ को बुलाकर ले आती हूँ। जब तक ये गिद्ध हमारे घोंसले तक आएगा, मैं माँ को ढूंढ कर ले आऊंगी। इस तरह मोनी चिड़िया अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी गिद्ध उसका पीछा करता है, लेकिन मोनी दूर भाग जाती है। ये चिड़िया तो भाग गई। इस घोंसले से ये चिड़िया भागी है, वहाँ चलकर देखता हूँ, हो सकता है वहाँ अंडे रखे हो। तभी गिद्ध घोंसले में जाता है तो उसे दो अंडे रखे हुए मिलते हैं। अरे वाह, मजा आ गया, अब इन अंडों को खाने में बड़ा मजा आएगा। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया और मोनी चिड़िया आ जाती है। अरे गिद्ध भाई, रुको रुको, तुम इन अंडों को खाओ। इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे लिए इन अंडों को खाने से ज्यादा कुछ भी बात नहीं हो सकती, इसलिए मैं इन अंडों को खाकर ही तुमसे बात पूछूंगा। अगर तुम इन अंडों को खाकर मुझसे बात पूछोगे तो बात बताने का कोई फायदा नहीं होगा, मर्जी तुम्हारी है। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बात बतानी है। मेरे ये अंडे कोई आम अंडे नहीं है, ये जादुई अंडे है। अगर इन दोनों अंडों को साथ में रखा जाए तो ये अगले दिन दोगुना हो जाते हैं। तुम्हारा मतलब है कल ये अंडे 2 से 4 हो जाएंगे, फिर परसों 4 से 8 हो जाएंगे, फिर 8 से 16, 16 से 32, और इसके बाद इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। हाँ हाँ, अंडे इसी तरह दोगुने होते जाएंगे। ठीक है, फिर मैं कल तक इन अंडों को नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे 4 अंडे खाने हैं। लेकिन अगर ये अंडे 2 से 4 न हुए तो मुझसे झूठ बोलने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर ये अंडे 2 गुने ना हुए तो मैं तुम्हारी बेटी को खा जाऊंगा। जब रात होती है टुनटुनी कहती है, हे भगवान, मैंने झूठ बोलकर अपने अंडों को तो बचा लिया, लेकिन कल तक ये अंडे 2 गुने ना हुए तो गिद्ध मेरी बेटी को खा जाएगा। अब मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? जैसे ही सुबह होती है गिद्ध टुनटुनी से कहता है, क्यों रे टुनटुनी, ये अंडे तो 2 के 2 ही है। तुमने मुझसे झूठ बोला था, अब मैं तुम्हारी बेटी को खाऊंगा। अरे अरे, थोड़ा सब्र करो, अगर अभी अंडे 2 गुने नहीं हुए तो थोड़ी देर में हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। टुनटुनी पास के एक पेड़ पर उदास बैठी थी। तभी वहाँ टिकी चिड़िया आती है। टिकी के पूछने पर टुनटुनी उसे सारी बात बताती है। तभी टिकी कहती है, बस इतनी सी बात, तुम एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर नकली पत्थर के अंडे मिलते हैं, तुम वहाँ से 4 नकली पत्थर के अंडे ले आओ। तुम अपने घोंसले में वे नकली 4 पत्थर के अंडे रख देना और अपने अंडे उठा लेना। तभी टुनटुनी पत्थर के अंडे ढूंढ कर ले आती है। ठीक है बहन, मैं अंडे तो ले आई, लेकिन गिद्ध हर समय मेरे घोंसले में ही बैठा रहता है, मैं इन अंडों को घोंसले में कैसे रखूं? टुनटुनी तुम डरती क्यों हो, मैं ये अंडे तुम्हारे घोंसले में रखवाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। तभी टिकी और टुनटुनी गिद्ध के पास जाती है। गिद्ध सोया हुआ था। टुनटुनी, गिद्ध सोया हुआ है, तुम ये नकली अंडे वहाँ पर रख दो और घोंसले से असली अंडे उठा लाओ। टुनटुनी ऐसा ही करती है। फिर जैसे ही गिद्ध उठता है, अरे वाह, अंडे तो 2 से 4 हो गए, अब मैं इन्हें खा लेता हूँ। जैसे ही गिद्ध अंडे खाता है, पत्थर के अंडे उसके गले में फंस जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है, और टुनटुनी चिड़िया खुशी से रहने लगती है।